हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर, इसको हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ लेवल्स भी मिल जाएंगे। आई होप आप में से आज बहुत से लोगों का पैसा बच गया होगा, क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया था जो एक पुल बैक का आपको वेट करना है। मॉर्निंग सेशन में एक पुल बैक आ सकता है, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी था और कंटिन्यूसली जो है स्टॉक आपको वन साइडेड फॉल हो रहा था। तो यहाँ पे गैप अप जो है या फिर जो है आपको ऊपर की साइड मोमेंटम ये होना था, और आज मॉर्निंग सेशन में जरूर हुआ, बट उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर सस्टेन नहीं किया, बट उसके बाद वापस से जो है मार्केट आपको नीचे की साइड मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया। हम लोगों का व्यू शॉर्ट साइड का ही था, लेकिन हम लोगों का व्यू ये था जो एक बार पुल बैक आ जाए फिर हम लोग बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए यहाँ पे आपको मार्केट को शॉर्ट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक्स के ऊपर, जो कल कौन कौन से स्टॉक्स के ऊपर हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। सबसे पहला स्टॉक है आपको आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के अगर हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट में बात करेंगे, तो यहाँ पे याद होगा मैंने आपको प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जब आपको यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुआ था, उस टाइम में मैंने हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था जो स्टॉक को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। इस कैंडल पे हम लोगों ने इस पर्टिकुलर डे यहाँ पे ट्रेड किया था, जहाँ पे कि हम लोगों का जो था वो टारगेट आपको 843 का था, लेकिन उस दिन वो टारगेट नहीं आया। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में टारगेट जरूर आया, और आज के सेशन में देखेंगे तो अगेन जो है यहाँ पे स्टॉक काफी आपको इस लेवल के नीचे क्लोज हुआ है। 843.55 पे जो है यहाँ पे स्टॉक क्लोज हुआ है। अगर क्लियरली देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये लाइन दिख रहा है, जो कि आपको क्लियरली सभी कैंडल्स के लो के नीचे आपको क्लोज हुआ है। तो स्टॉक में एक बियरिशनेस हम लोगों को दिख रहा है, बैंक निफ्टी भी काफी ज्यादा वीक दिख रहा है। तो स्टॉक में और नीचे की साइड एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है, जहां पे कि नेक्स्ट टारगेट 800-810 के रेंज में हो सकता है। तो इस स्टॉक को हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम लोगों को लास्ट के सेशन में काफी अच्छा एक वॉलेटिलिटी देखने को मिला, और बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन भी देखने को मिला। 841 नीचे की साइड और ऊपर की साइड देखेंगे तो 849, इस रेंज में स्टॉक अगर हम लोग यहां पे बात करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 1115 से कंटिन्यूसली इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड किया है। यहां पे हम लोग वेट करेंगे, जैसे ही 841 के लेवल के नीचे कल ये स्टॉक निकलता है, हम लोग यहां पे इमीडिएटली शॉर्ट करेंगे। ऊपर की साइड 849 का हम लोगों का एसएल रहेगा, अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है हम लोग अपने स्टॉक ट्रेड को क्लोज कर देंगे। नीचे की साइड जैसे ही निकलता है हम लोग यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट 833 का रहेगा, दूसरा टारगेट 825 का रहेगा। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, इन केस अगर आप लोगों को यहाँ पे लेवल्स नोट डाउन करने में कोई भी परेशानी होती है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लेवल्स मिल जाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको जरूर ध्यान रखना है, जो अगर इसी रेंज में स्टॉक खुलेगा और उसके बाद इस लेवल के नीचे निकलता है तभी शॉर्ट करना है, या फिर आपको इस लेवल के अराउंड भी 840.5-840 के रीजन में भी आपको ओपन होता है, हम लोग यहां पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन सपोज अगर 837-835 इन सभी रेंज पे अगर खुलता है, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट को अवॉइड करेंगे। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग पुल बैक का वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग शॉर्ट करेंगे। सेकेंड स्टॉक की बात करें, सेकेंड स्टॉक है HDFC बैंक। आज के लिए भी इस स्टॉक को हम लोगों ने यहाँ पे आपको शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड में लिया था। यहाँ पे अगर डेली चार्ट में देखेंगे तो इस स्टॉक में अगेन प्रीवियस डे के लो के नीचे ही क्लोज हुआ है, और इस लेवल को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक अच्छा सपोर्ट इससे पहले लिया हुआ था। नेक्स्ट सपोर्ट की बात करेंगे 1350 के लेवल के अराउंड है, तो स्टॉक के पास अभी भी एक अच्छा स्पेस है, नीचे की साइड जो है स्टॉक यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। इस स्टॉक को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करने वाले हैं 1378.5 के नीचे। अगर यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट कैंडल का जो लो था या आज का लो जो है वो आपको 1378.9 का है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे 1378.5 के नीचे। इस स्टॉक को शॉर्ट करेंगे, ऊपर की साइड जो हम लोगों का यहाँ पे एसएल होने वाला है, हम लोगों का एसएल होने वाला है 1388 का, तो यहाँ पे जो है 9.5 पॉइंट का हम लोगों का एसएल होने वाला है।
नीचे की साइड जो हम लोगों का यहाँ पे आपको टारगेट होने वाला है 1368.5 का पहला टारगेट, 1358.5 का दूसरा टारगेट। लेकिन यहाँ पे भी आपको सेम चीज ध्यान रखना है, अगर फ्लैट खुलता है या फिर इस लेवल से एक दो रुपये ऊपर नीचे खुलता है तो यहाँ पे शॉर्ट करना है। अगर यहाँ पे 5 to 6 रुपीज नीचे खुल रहा है या 7 to 8 रुपीज नीचे खुल रहा है फिर आपको अवॉइड करना है, फिर आपको पुल बैक का वेट करना है। इस रेंज में मिलता है अगेन यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। थर्ड स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड स्टॉक है आपको HDFC लिमिटेड। HDFC लिमिटेड में भी यहाँ पे अगर हम लोग डेली चार्ट पे बात करेंगे, ये स्टॉक भी जो है आपको प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के लो के नीचे ही क्लोज हुआ है। इस स्टॉक में भी हम लोग यहाँ पे गिरावट देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे। आज काफी अच्छा मोमेंटम किया कंटिन्यूसली अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है यहाँ पे, कल भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था जो जब आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो यहाँ पे 2250 2260 के लेवल में आपको एक पुल बैक मिल सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2265 जो हम लोगों का SL था उसी रेंज में यहाँ पे ओपन हुआ 2260 के अराउंड। उसके बाद उसी रेंज में यहाँ पे काफी टाइम 2271 2272 के अराउंड काफी टाइम स्पेंड किया और उसके बाद आपको ब्रेकआउट दिया तो, और उसके बाद जो है कंटिन्यूसली स्टॉक जो है आज एक अच्छा मोमेंटम किया है कंटिन्यूसली आपको पूरा टाइम। तो इस स्टॉक को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हम लोग यहां पे शॉर्ट करने वाले हैं। इस स्टॉक में हम लोगों का एंट्री रहेगा 2230 के लेवल के नीचे, 2230 के लेवल के नीचे हम लोग एंट्री करेंगे। 2250 का हम लोगों का SL देगा, 20 पॉइंट का SL देगा। 2210 पहला टारगेट, 2190 दूसरा टारगेट। फोर्थ स्टॉक की बात करेंगे, फोर्थ स्टॉक है JSW स्टील। JSW स्टील के अगर हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट में बात करेंगे, स्टॉक आपको प्रीवियस 4 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे कंटिन्यूसली हम लोगों को फॉल करता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट प्रीवियस 5 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूसली नेगेटिव कैंडल बना रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 5th के सेशन में आपको एक डोजी कैंडल बनाया था, उसके बाद से एक अच्छा सेलिंग प्रेशर हम लोगों को देखने को मिला। आज यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ है, ऊपर के लेवल से क्लियरली हम लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने डे लो पे ही क्लोज दिया है। इस स्टॉक को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट साइड के लिए इस स्टॉक को भी ट्रेड करेंगे। यहाँ पे जो हम लोग इस स्टॉक को ट्रेड करेंगे 617 के नीचे इस स्टॉक को निकलते ही इमीडिएटली शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे 617 के नीचे निकलते ही इमीडिएटली शॉर्ट करेंगे। ऊपर की साइड 624 का हम लोगों का SL देगा, 7 पॉइंट का SL देगा। पहला टारगेट 610 का रहेगा और दूसरा टारगेट 603 का रहेगा। अगेन यहाँ पे भी अगर गैप डाउन ओपन होता है आपको वेट करना है, एक बार के लिए पुल बैक लेने दीजिए, फिर आपको यहाँ पे स्टॉक को शॉर्ट करना है। सपोज अगर यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो फिर आपको ट्रेड को इग्नोर करना है, आपको अपने लेवल्स का ही वेट करना है। लास्ट स्टॉक है ITC। ITC में कंटिन्यूसली एक अच्छा मोमेंटम हो रहा है। डेली चार्ट पे अगर इस स्टॉक को हम लोग देखेंगे तो स्टॉक ने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन देके यहाँ पे क्लोज दिया था, बट वापस से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है बाउंस बैक करके आ चुका है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्लियरली जो है स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के नीचे काफी टाइम के बाद आपको ट्रेड करना स्टार्ट किया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको मिड ऑफ जून से ही इस लेवल को कंटिन्यूसली आपको रेस्पेक्ट कर रहा है। फाइनली वंस अगेन यहाँ पे आज गैप अप के साथ ओपन हुआ और इस लेवल को रिक्लेम किया है, वापस से जो है ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आज क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे अगेन 350 की साइड एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है, तो इस स्टॉक को भी हम लोग बाय साइड के लिए ट्रेड करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 332.5 और 335 इस रेंज में एक अच्छा जो है आपको कंसोलिडेशन हुआ है, तो इस स्टॉक को हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। 335 के लेवल के ऊपर निकलते ही हम लोग यहाँ पे इमीडिएटली आपको बाय करेंगे। नीचे की साइड जो स्टॉप लॉस होने वाला है 332.5 का होने वाला है। पहला टारगेट 338 का रहेगा, दूसरा टारगेट 341 का रहेगा। तो आई होप आप लोगों ने सभी लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होगा, लॉजिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।